अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं के न्यूज चैनल। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से। हमारे ब्यूरो चीफ हमाद सोमरो की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद महकमा अनहार के चीफ इंजीनियर मुर्तजा बलोच, सेक्रेटरी महकमा अनहार एंटी करप्शन फैसलाबाद, डिप्टी कमिश्नर चिन्नियोर मोहम्मद रियाज, असिस्टेंट कमिश्नर सैयद मनोवर शाह, तहसील भवाना को महकमा अनहार झंग ब्रांच एक्सियन एसडी और धिलर ओवरसियर खैरवाला बंगला की सरपरस्ती में भारी रकम ठेका रिश्वत लेकर अपने ही महकमा अनहार झंग ब्रांच के बासर अरसदरा से तैनात कब्जा माफिया और भत्ताखोर शमसुल हक जप्पा ने इस बासर माफिया करप्ट अफसरान महकमा अनहार से मिलकर सरकारी जमीन पर कब्जा करके फसलें काश्त करके महकमा अनहार का सरकारी पानी पाइप लगाकर जबरदस्ती चोरी करके फसलें खराब कर रहा है। महकमा अनहार के अफसरान ने आंखों पर करप्शन की पट्टी बांध रखी है और चुप साध ली है। एंटी करप्शन पुलिस फैसलाबाद ने भी आंखों पर मंथली की पट्टी बांधी हुई है। वो खामोश तमाशाई है जो साफ नजर आ रहा है। खरबों रुपए की सरकारी जमीन महकमा अनहार के अफसरान की मिली भगत से मुलाजमीन फरोख करके बासर कब्जा माफिया को फसलें काश्त करवाने और पानी चोरी लगवाने में कामयाब है। कोई पूछने वाला नहीं, चीफ जस्टिस हाईकोर्ट मोहम्मद कासिम खान, वजीर आला पंजाब लाहौर सरदार उस्मान बुजार, चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक, डायरेक्टर एंटी करप्शन पंजाब लाहौर, कमिश्नर फैसलाबाद फौरी नोटिस लेकर करप्ट अफसरान और मुलाजमीन को नौकरी से फारिग करके सरकारी रकबा महकमा अनहार का बासर कब्जा माफिया सरकारी अफसरान और मुलाजमीन से भाग कर सरकार और गुजार कराई जाए और सरकार पानी जबरदस्ती चोरी करने का इन करप्ट बासर कब्जा माफिया अफसरान और मुलाजमीन पर दर्ज करवाकर कानून के मुताबिक कार्रवाई भी अमल में लाई जाए।